Welcome back to the channel everyone, hope you guys are doing absolutely fine. You are watching Know Your Wheels. My name is Dibyendu. Today's ka jo topic hai video ka TVS Ntorq 125 race edition ka hai. ये TVS Ntorq 125 जो है इसका एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है अभी रिसेंट डेज में, जिसका नाम उन लोगों ने रखा है रेस एडिशन. वो रेस एडिशन में उन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किया है, क्या क्या इसमें नया चीज़ डाला गया है जो कि प्रीवियस Ntorq 125 में नहीं था, उसी के बारे में आज का वीडियो है. तो चलिए देखते हैं. TVS Ntorq जो है आज से ऑलमोस्ट दो साल पहले फरवरी 2018 में इंडिया में लॉन्च हुआ था. TVS Ntorq अपने 125cc सेगमेंट में एकमात्र ऐसा स्कूटर है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है. TVS Ntorq का जो है 7 कलर अभी तक मार्केट में अवेलेबल था. एक है मैट येलो, दूसरा है मैट वाइट, तीसरा है मैट रेड, चौथा है मेटालिक ब्लू, पांचवा है मेटालिक ग्रे, छठा है मेटालिक रेड और सातवां है मैट सिल्वर. TVS Ntorq में आपको 124.79cc का 3 वाल्व 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड OHC इंजन मिल जाता है जो कि BS4 कंप्लायंट है. मैक्सिमम पावर जो है इसका 6.9 किलोवाट है 7500 RPM में, और 9.4 PS ऑफ पावर 7500 RPM में आपको मिल जाता है. मैक्सिमम टॉर्क जो है इसका वो 10.5 न्यूटन मीटर का है 5500 RPM में. बैटरी जो है इसका 12 वोल्ट 4 एम्पियर एमएफ बैटरी है. हेडलैम्प जो है 35x35 वाट का HS1 हेडलैम्प आपको मिलता है. TVS Ntorq 125 का चेसिस फ्रेम जो है वो हाई रिजिडिटी वाला अंडरबोन रेक्टेंगुलर ट्यूब टाइप चेसिस है. डायमेंशन जो है इसका 1865x710x1160mm का डायमेंशन है. व्हील बेस जो है इसका 1285mm का है. ग्राउंड क्लियरेंस जो है 155mm का है और कार्ब वेट जो है 116.1kg का कार्ब वेट मिलता है. इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में गैस फिल्ड हाइड्रोलिक टाइप कॉइल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है. TVS Ntorq 125 का जो फ्रंट टायर है वो ट्यूबलेस 100x80x12 सेक्शन का है और रियर में ट्यूबलेस टायर है 110x80x12 सेक्शन का. इसमें फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है 220mm का सिंगल डिस्क, और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक आपको मिल जाता है. फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है TVS Ntorq 125 का 5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है, और एयर फिल्टर जो है इसका वो ड्राई पेपर एंड प्लस फोम फिल्टर वाला एयर फिल्टर है. TVS Ntorq का जो स्टाइलिंग है उसको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड स्टाइलिंग बोल के कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही शार्प डिज़ाइन के साथ आता है और एक बहुत ही अच्छा लुक देता है. इसीलिए अभी 125cc सेगमेंट के स्कूटर में अभी TVS Ntorq का नाम जो है वो पहले लिया जाता है, क्योंकि इसका जो शार्प डिज़ाइन है वो कस्टमर्स ने बहुत ही पसंद किया है. और एक प्लस पॉइंट जो है TVS Ntorq का वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. इसका जो TFT स्क्रीन है उसके साथ इजीली आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने मोबाइल के कॉल्स वगैरह सब कुछ इस स्कूटर के TFT स्क्रीन में चेक कर सकते हैं. और एक प्लस पॉइंट जो है TVS Ntorq का वो है इंजन किल स्विच. बहुत सारे ऐसे स्कूटर है जिसमें हम लोग को इंजन किल स्विच नहीं मिलता है. ये इंजन किल स्विच प्रोवाइड करके TVS ने Ntorq में एक और प्लस पॉइंट ऐड कर दिया है, जिसलिए मार्केट में उसका वैल्यू थोड़ा और बढ़ गया है. TVS ने Ntorq स्कूटर को ऐसे लॉन्च किया है ताकि वो 100-150cc सेगमेंट का कोई भी बाइक के साथ कम्पीट कर सके. इसीलिए 9.4 PS ऑफ इनक्रेडिबल पावर के साथ ये आता है. फास्टेस्ट इनिशियल पिकअप जो है इसका ये 0-69 सेकेंड में जाता है. टॉप स्पीड जो है इसका 95 किलोमीटर पर आवर है. फर्स्ट एवर बिल्ट इन लैप टाइमर इसमें दिया गया है, और इसमें इनबिल्ट टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी दिया हुआ है. अगर आप वेस्ट बंगाल कोलकाता के बारे में बात करते हैं तो इसका ex-showroom प्राइस जो है डिस्क वेरिएंट का वो है 66,100, और ड्रम वेरिएंट का जो है वो 62,682 है, और
नया जो रेस एडिशन लॉन्च हुआ है उसका प्राइस है 68,700 रुपीस। एक सिग्नेचर टी शेप्ड रियर लैंप दिया हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसका जो टायर है वो बाकी स्कूटर से बहुत ही फैट है और तो इसीलिए आपको एक स्टेबल स्कूटर मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। इसमें रियर लाइट के दोनों साइड में आफ्टर बर्नर स्टाइल रियर वेंट्स प्रोवाइड किया गया है जो कि एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है इस स्कूटर को। और इसका एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो साउंड भी बहुत स्पोर्टी साउंड है, मेरा बहुत ही फेवरेट है। और आप लोग भी एक बार सुन लीजिए इसका एग्जॉस्ट का साउंड, आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो अभी ये रेस एडिशन का जो प्राइस है ये थोड़ा ज़्यादा है, ये क्यों ज़्यादा है इसी के बारे में अभी बात करते हैं। तो ये नया जो रेस एडिशन TVS Ntorq 125 ने लॉन्च किया है इसमें आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कलर ग्राफिक्स मिल जाएगा। ब्लैक, रेड और ग्रे ये तीनों कलर का कम्बिनेशन है और ये तीनों कलर बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया गया है और एक बहुत ही अच्छा स्पोर्टी लुक इसको दिया गया है। तो ये न्यू कलर कॉम्बिनेशन एंड कलर ग्राफिक्स आपको रेस 125 न्यू एडिशन में मिल जाता है। दूसरा जो नया पॉइंट है TVS Ntorq 125 रेस एडिशन का वो है हेडलैम्प। ये रेस एडिशन में जो नया हेडलैम्प यूज़ किया गया है ये फुल LED हेडलैम्प है जो कि बैकलाइट से रिजेंबल करता है और ये टी शेप्ड LED के दोनों साइड में छोटा छोटा चार LED का सेट मिलेगा जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लुक आपके रेस एडिशन के TVS Ntorq 125 को दे रहा है। ये दोनों नया चीज़ TVS Ntorq 125 रेस एडिशन में आया है और बाकी का जो है वो सेम ही है। कुछ कलर ग्राफिक्स, कुछ लोगो और कुछ एम्ब्लेम में चेंजेस किया हुआ है और ये जो हेडलाइट है ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है रेस एडिशन में। अगर आप लोग मेरा पर्सनल चॉइस जानना चाहते हैं तो TVS Ntorq 125 अभी मार्केट में जितना स्कूटर है उसमें से TVS Ntorq 125 मेरा फर्स्ट चॉइस है। उसका बहुत सारा रीज़न है, उसमें से एक रीज़न है उसका टायर साइज, दूसरा रीज़न है उसका एग्जॉस्ट साउंड, तीसरा रीज़न है उसका लुक और चौथा रीज़न है उसका पिकअप एंड माइलेज। मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट में कस्टमर्स को ये रेस एडिशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइज। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा के सब्सक्राइब हो जाना और बाजू वाला बेल बटन भी दबा देना कि जब भी मैं वीडियो रिलीज करूँ नोटिफिकेशन बराबर आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीक मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।